हाय, तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक और लंच बॉक्स वीडियो। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, नॉट एग्जैक्टली अ लंच बॉक्स वीडियो, नहीं लंच बॉक्स वीडियो ही होने वाला है, बट उसके साथ साथ हम करने वाले हैं एक तो मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट का रिव्यू। मतलब मुझे ना दिस प्लेस इज कॉल्ड चाट स्ट्रीट और मेरे को इनकी पानीपुरी बैंगलोर में बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने आज सोचा कि उनके और भी चाट ऑर्डर करके देखते हैं। सो सबसे पहले तो देयर इज सम सेव, फिर आलू चाट ऑर्डर करी मैंने, आई ऑर्डर्ड सम सेव पूरी और इन्होंने इसमें चटनी वगैरह नहीं डाली ताकि सौगी ना हो, विच इज़ रियली नाइस। बाकी ये रही दही एंड देन समोसा, पापड़ीज हैं, इतू सी पापड़ी, नेवर माइंड, इट्स ओके। एंड देर इज थोड़ी बहुत चटनियाँ वगैरह। और द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड स्विगी इंस्टामार्ट से, मैंने सोचा था कि हम एक और चीज़ का रिव्यू कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आई ऑर्डर्ड सम पाव एंड उसके साथ साथ आई ऑर्डर्ड ये गिट्स का पाव भाजी मिक्स, तो इसका भी रिव्यू करते हैं साथ में। बट उससे पहले, एक तो पहले यहाँ पर सामान इतना ज़्यादा हो गया है, एंड उससे पहले एक और बात बताती हूँ आपको। मैंने ना सुबह से 3 स्विगी ऑर्डर करे हैं एंड हर बार विद एवरी ऑर्डर देव सेंट मी एक डोसा बैटर एंड दिस चोको चिप कुकीज़। पहली बार जब आया तो मुझे लगा कि कोई गलती होगी, बट उसके बाद मुझे पता चला कि आई गेस प्रमोशनल है। एंड अगर आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा ना तो रुको, लेट मी शो यू। सुबह से पिछले 2 ऑर्डर्स की फ्री कुकीज़ ये रही, और जानवी माई कैमरा वूमन शी बोलता है कि कुकीज़ बहुत अच्छी हैं, सो आई एम ग्लैड के फ्री में कुकीज़ एंड बाकी डोसा बैटर तो फ्रिज में पड़ा है। एनी वे, सबसे पहले लेट्स गो मेक आर पाव भाजी, चलो। ओके, तो आज पता है बहुत फ़नी सी, मतलब फ़नी तो नहीं कह सकते बट ठीक है। हाँ, तो हम मैं और हरविंदर ना यूजुअली 5:30 निकल जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, और 6 बजे का 6 to 7 वर्कआउट होता है। बट आज हरविंदर ने मुझे 5 बजे कॉल करके बोला कि उसकी कोई तो मीटिंग है 5:30, तो 6:30 तक चलेगी, तो ही कांट वर्कआउट एट 6। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं 5:30 to 6:30 डांस फिटनेस कर लेती हूँ और फिर 7 to 8 हम दोनों साथ में वर्कआउट कर लेंगे। और आई वेंट फॉर डांस फिटनेस एंड उसके बाद भाई, मतलब उसके बाद डांस फिटनेस के बाद वी डिड बॉक्सिंग वर्कआउट ऑल्सो, सो आई डिड दो वर्कआउट्स इन द सेम डे। एंड मुझे लगा कि यार ठीक है, इतना मुश्किल तो नहीं होगा, बट उसके बाद मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मतलब मैं जिम से निकली बाहर और मैं लिटरली रोड पे बैठ गई, बिकॉज आई वॉज सो एग्जॉस्टेड। मैं हर बंदा को बोल रही थी, सुन मुझे उठा के घर लेके जाओ, मुझसे ना हो पाएगा ये। हाँ, बट उसके बाद बहुत मस्त मस्त खाना खाया एंड देन आई फेल्ट अ लिटिल बेटर। तो बाय द वे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस थाली में से आप लोग का फेवरेट क्या है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सेव डाल देते हैं भाजी पे एंड लेट्स ट्राई आउट द पाव भाजी अब। ओके, तो पाव भाजी तो पास हो गई, अब हम हमारी दही पूरी ट्राई करते हैं। ओके, तो ये बुरी नहीं थी बट स्ट्रीट स्टाइल नहीं थी, मतलब इसमें ज़्यादा मसाला या फ्लेवर नहीं है एंड ये सॉगी हो चुके हैं इवन दो इन्होंने अलग अलग दिया है। एनीवेज, आलू चाट ट्राई करके देखते हैं। सो ये काफ़ी काली सी लग रही है, ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है यार। हरी चटनी, मिर्ची, मसाला सब बहुत अच्छी तरह डाला हुआ है। ओके, लास्ट थिंग टू ट्राई इज आर समोसा। ओ, आई थिंक आउट ऑफ एवरीथिंग समोसा इज माई फेवरेट। थोड़ा सा दही में डिप कर गया है। ओके, तो मैं तो अपना चाट लंच बॉक्स एंजॉय करती हूँ। आप भी अपनी मम्मी को ये वीडियो दिखाओ और उनको बोलो कि आपके लिए कभी तो चाट लंच बॉक्स दें। ओके, एंड शेयर दिस विद अ चाट लवर, और आपको भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो एंड कमेंट डन जितनी बार भी कर सकते हो। सी यू लेटर, आई विल गेट।